हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो मैं शालिनी मैम फिर से आई हूँ आपका उसी चैप्टर के बारे में पढ़ाने के लिए। बच्चों, मैंने आपका चैप्टर का, तो आप लोग देख ही रहे होंगे, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, चैप्टर का नाम है अ फिश द फिश टेल। ओके बच्चों, तो देखिए मैंने इसका पार्ट वन और पार्ट टू दोनों बनाया है, दोनों अपलोड है, तो आप लोगों ने इसको तो जरूर देखा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट थ्री पे। कहाँ पे आते हैं बच्चों? पार्ट थ्री पे। तो स्टार्ट किया जाए। ओके, स्टार्ट कर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था आपको, तो मैंने यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आप लोग को कहाँ तक मैंने पढ़ाया था, आपने देखा भी होगा जरूर। तो अब हमें यहाँ से बच्चों स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। दिस विच बोट गेट्स हाउ मच। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों, सॉरी पार्ट का नाम है विच बोट गेट्स हाउ मच। इन वन ट्रिप द लॉग बोर्ड जो हमने पहले पढ़ा था ना, जो से लकड़ी का बना होता है, चार पांच लकड़ियों का बना होता है, उसे लॉग बोर्ड कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी कम होती है पानी में तैरने की। ठीक है, बाकी और बोर्ड के कंपैरिजन इसे हम लॉग बोर्ड कहते हैं। ठीक है, लॉग बोर्ड ब्रिंग अबाउट 20 किलोग्राम ऑफ फिश, बट अदर टाइप्स ऑफ बोर्ड ब्रिंग अ bigger catch as given in the table. Okay, देखो यहाँ पे कुछ टेबल भी बनाया है बच्चों, अगर आप पेपर को देखोगे, बुक को देखोगे थोड़ा सा नीचे करके, तो यहाँ कुछ टेबल बनाया हुआ है, सारे बोर्ड्स के बारे में यहाँ बताया है। बट हाँ, यहाँ पे बोला है कि इन अ ट्रिप द लॉग बोर्ड ब्रिंग अबाउट 20 kg ऑफ फिश, बट अदर टाइप्स ऑफ बोर्ड ब्रिंग बिगर कैच गिवन द टेबल। तो जैसे कि होते हैं लॉग बोर्ड, होते बहुत कम क्वांटिटी में फिश को वो लेते हैं, लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर और भी बोर्ड्स को हम देखें, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कैच करते हैं फिश को। ओके, द आगे द टेबल आल्सो शो द शेप ऑफ ईच टाइप ऑफ बोर्ड विच इज हाउ फॉर ईच बोर्ड गोज इन 1 आवर। ओके, लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। ओके, चलो सबसे पहले बच्चों हम टेबल पे चलते हैं और उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। पहले टेबल को आप देखो, ये देखो आपका है, यह है आपका टेबल। ओके, तो टेबल में बच्चों लिखा है, देखिए इसे इधर, ये देखिए आपका पढ़ा है, टाइप्स ऑफ बोट पहला है, सेकेंड में कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप, ठीक, और स्पीड ऑफ द बोट, तीनों पार्ट्स को अलग अलग बताया है बोर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बच्चों लिखा है लॉन्ग बोर्ड, जो हमने स्टार्टिंग में लकड़ी वाले बोर्ड की बात कर रहे थे, और लॉन्ग टेल बोर्ड। लॉन्ग टेल बच्चों नहीं होते, जो साइड साइड के टेल की तरह उठा हुआ रहता है, साइड साइड ऐसे टेल की तरह घुमा होता है, एग्जाम्पल इस टाइप के होते हैं ना टेल, उसे लॉन्ग टेल बोर्ड कहते हैं। मोटर बोर्ड, जो बोर्ड मोटर से चलते हैं, उसे मोटर बोर्ड कहते हैं। ठीक है, और मशीन बोर्ड, सबसे बड़ा बोर्ड क्या होता है बच्चों, ये तो लास्ट में लिखा है मशीन बोर्ड। ओके, तो अब इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो लिखा है बच्चों, पहला है
about how much fish in all each type of boat bring 7 trip. मतलब पहली ट्रिप, ये देखो जो ये बना हुआ है शेड्यूल वन ट्रिप का बना हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, हाउ मच, सॉरी, अबाउट हाउ मच फेस इन ऑल वे ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप, ये वन ट्रिप का है बच्चों। तो अगर इन्हीं अगर हम और भी कैच को पिक वो करते हैं, फिश कैच करते हैं, तो अगर 7 ट्रिप्स में हमें कितने मिलेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो यहाँ पे लिखा ना, सेकेंड में आप जाओगे तो कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप, ये वन ट्रिप है, अगर हम इसी वन ट्रिप को 7 ट्रिप में लिखना हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ SEVEN, 7 ट्रिप में करना हो तो कैसे होगा। तो बच्चों सबसे पहले एक चीज और मैं बता देती हूँ, जब भी कम दिया हो, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी चीज हो, अगर कम दिया हो और ज्यादा की बात हो, मतलब क्वांटिटी ज्यादा की बात हो, तो आप सिंपल से समझ जाना कि हाँ वहां पे मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है, ओके, 200% है, वहां हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जैसे लिखा है लॉन्ग बोट 20, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इंटू 7, ओके, लॉन्ग टेल बोट इंटू 7, मोटर बोट इंटू 7, मशीन बोट इंटू 7, अंडरस्टैंड। अब हमें 7, ये तो वन ट्रिप का था, अब हमें 7 ट्रिप का, पहले क्वेश्चन में ही पूछा ना हमें 7 ट्रिप पे कितने फिशेस को कैच करेंगे, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करके हम इस आंसर को फाइंड आउट, मतलब आंसर बताएंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 में 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आएगा, ओके, 140, और 7 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 420, आप मल्टीप्लाई ऐसे नॉर्मल में भी करके चेक कर लेना, और इसका 7 में 8 का करेंगे तो 560, ओके, सॉरी यहाँ 4200 होगा, ओके, आगे चलते हैं, ये 6000 में 7 का करेंगे 42000, ओके, अभी देखिए यहाँ पे कोई हंड्रेड में आ रहा है, कोई थाउजेंड में आ रहा है, कोई 10,000 में भी आ रहा है, तो ये 1,000, 1,000, 10,000, देखिए सारे तो नंबर सिस्टम ही है, हमें नंबर सिस्टम से इस चैप्टर को सॉल्व करना है, तो हम ये उसी बेसिस पे सॉल्व करते जाएंगे, ओके। तो हम यहाँ पे देखिए आंसर हमें फाइंड आउट हो गया, लॉन्ग बोट अगर 7 सॉरी 1 ट्रिप नहीं 7 ट्रिप करती है तो 140 kg, सबके आगे आप kg भी लिख लो, 140 kg हमें पूरा क्या होगा, फिश मिलेगा, ओके। और अगर लॉन्ग टेल बोट वही काम करती है तो हमें 600 इंटू 7 कर देंगे 7 टाइम्स में, तो 4200 kg फिश हमें मिलेगा, अंडरस्टैंड। अगला है मोटर बोट, मोटर बोट है 800 इंटू 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5600 kg, ओके। और मशीन बोट है, मशीन को 6000 इंटू 7 कर दोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 42,000, अंडरस्टैंड बच्चों, कितना मिलेगा, 42,000। चलिए अब आगे चलते हैं, सम बिग नंबर्स, ओके। तो अब हमें बिग मतलब बड़े बड़े नंबरों के बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। इन द क्लास मैथ मैजिक यू हियर ऑफ द नंबर लाख, ओके, विच इज इक्वल टू 100,000 यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 lakh big planes इन अवर कंट्री, ओके, वेयर bricks आर मेड, ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, इन द क्लास फोर्थ मैथ मैजिक, क्लास फोर्थ की जो मैथ मैजिक की आपकी बुक है, यू हियर ऑफ नंबर्स लाख, वहां पे आपने क्या लाख के नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं पिछले सेशन सॉरी पिछली क्लास में, विच इज इक्वल टू 100,000, ओके, यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 lakh brick planes
इन योर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड। तो यहाँ पे दिया है बच्चों की 1 लाख, जो आपने ब्रिक्स पैटर्न वाले पढ़े थे ना, बिल्डिंग विद ब्रिक्स, उसमें होता ना सबसे ज्यादा जो हमारा देश है इंडिया, उसमें 1 लाख से भी ज्यादा जो ब्रिक्स बनाए जाते हैं वो इंडिया में ही होते हैं, मतलब हमारे देश में ही पाए जाते हैं। वेयर ब्रिक्स आर मेड, तो ये मेड मेड कहाँ कहाँ, बहुत डिफरेंट हर जगह बनते हैं। वॉट उसके बाद क्वेश्चन में आता है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन है आपका, वॉट अदर थिंग्स हैव यू हियर्ड इन अ लाख, और कौन कौन सी चीजें जो आप सुनी हो लाख में। तो लाख में बच्चों आप क्या क्या सुन सकते हो, जैसे कि ब्रिक्स, ब्रिक्स एंड बिल्डिंग का जो चैप्टर आपने पढ़ा वो आप लिख सकते हो। ओके पढ़ा है ना, जो मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया, क्लास फोर्थ में भी मैंने इसके वीडियोज भी बनाए। तो ये क्या होते हैं ब्रिक्स जो होते हैं ना बच्चों, ये कितने लाख्स में, मतलब अगर किसी का बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो क्या इनका जो डिमांड होता है ना बच्चों, लाख्स में होता है, मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटीयों में होता है। ठीक है, लाख में तुम पैसों के मनी के बारे में सुनोगे कि हाँ 1 लाख मनी, 2 लाख मनी, 3 लाख मनी, कहीं का पॉपुलेशन भी बच्चों आप लोग सुनते होंगे ना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो होता है तो वो कहाँ का होता है, ये पॉपुलेशन भी कहीं कहीं नहीं होता लाख में, यहाँ की पॉपुलेशन कई लाख में है, कई होता है, तो ये होता है। ये क्वेश्चन पूछे आप अपने हिसाब से सोचकर लिख सकते हो। राइट द नंबर ऑफ 1000, ओके, नाउ राइट 100,000, ओके, सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन अ नंबर 1 लाख, इजी, इज इट इजी, ओके। तो हमें यहाँ क्या बताना है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन अ इन द नंबर ऑफ 1 लाख। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे 1 लाख लिखो, 1 लाख में, ठीक है। अभी ना इसको लिखने से पहले मैं एक और चीज यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है, इससे पहले हम ये कर देते हैं। और अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh, ओके। अब देखिए ये क्या है, वंस हम लोग जब भी कोई भी काम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो स्टार्टिंग का राइट साइड से करते हैं, तो हम काम करते हैं ना 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, ऐसे होता है ना बच्चों। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, वंस है तो यहाँ पे जीरो, टेंस के आगे भी जीरो, हंड्रेड के आगे भी जीरो, और उसके बाद क्या है, थाउजेंड के आगे भी जीरो, 10,000 के आगे भी जीरो, और लैख 1 लिख देंगे, ओके। तो अब आप देखोगे कि कितने जीरो है 1 के आगे, 1, 2, 3, 4, 5, कितने बच्चों, 5, तो यहाँ आप लिख दोगे 5, ओके। अगला क्वेश्चन है, देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन अवर कंट्री, ओके। हाँ, हमारे देश में देखिए सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे बताया, देयर आर अबाउट 2 लाख बोट इन अवर कंट्री, हमारे देश में 2 लाख बोट्स हैं। अपने देश में कितने, मतलब पूरा आप कैलकुलेट कर लोगे ना बच्चों, अपने देश में तो 2 लाख बोट्स हैं। हाफ ऑफ देम इन हाफ, यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर, मतलब 2 लाख बोट्स है बच्चों, उसमें से हाफ जो है वो विदाउट मोटर है। तो मान लो हम यहाँ पे 2 लाख लिख लेते हैं, ठीक है, 5 लाख में 5 जीरो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिया। अब उसका हाफ है, हाफ है मतलब उसका हाफ है तो कितना होगा, हाफ कब कितना होता है, तो हाफ पूछ रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब 1 लाख, 1 लाख बोट विदाउट मोटर है, अंडरस्टैंड। तो लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट विथ अ मोटर, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट विथ अ मोटर, तो नंबर ऑफ बोट के मोटर्स कितने होंगे, अगर 1 लाख बोट्स के तो 1 लाख तो उसके हो गए ना, हाफ हाफ हो गया, तो 1 लाख लिख देंगे इसका आंसर, 1 लाख मोटर्स के होंगे, ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं, अबाउट 1/4 ऑफ बोट, ठीक है, यहाँ लिखा है अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ अ मोटर आर बिग मशीन बोट, अबाउट 1/4 ऑफ अ मोटर बोट
are big machine board. How many thousand machine board are there? Come on, try do it without writing down. Okay, मान लो बच्चों क्या है about 1/4 of board with a motor. मान लो बच्चों हमारे देश में 2 लाख मोटर बोट्स हैं, उनमें से 1 लाख बोट मैंने ऊपर बताया ना, 1 लाख बोट मोटर वाले हैं, ठीक है. मोटर आर बिग मशीन ऑफ बोट, ठीक. अब हाउ मेनी थाउजेंड मशीन ऑफ बोट आर देयर, तो कम ऑन. आप कहते हैं ना थाउजेंड मशीन, मतलब अगर हम 1/4 का करते हैं तो कोई भी मान लो ये सर्कल ले लो बच्चों, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, आप लोग समझो ये सर्कल है. ओके सर्कल है. अब इस सर्कल को हम 4 पार्ट में कट कर दे रहे हैं, ठीक है, 4 पार्ट में कट कर दिया. तो अब हमें 1/4 का बताना है. यहाँ लिखा है 1/4 पार्ट बताना है. 1/4 मतलब हमें 1/4 मतलब 1/2 बताना है, 1 पार्ट. इन तीनों का नहीं, बस ओनली 1 पार्ट बताना है. तो अगर 1 लाख है, 1 लाख को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 25,000 इधर होगा, 25,000 इधर होगा, 25,000 इधर होगा. ये बिना लिखे बताना था, बट मेरा काम है समझाना बच्चों, तो मैं आपको समझाऊंगी कि अगर 4 पार्ट में तो हमें बस 1 पार्ट बताना है. तो लिखा है कम ऑन ट्राई टू इट विदाउट राइटिंग डाउन. तो आप यहाँ सीधी लोगे 25,000. क्या लिखोगे बच्चों, आपका आंसर क्या होगा, 25,000. ओके आगे चलते हैं. आगे है वी मे वंडर अबाउट द नंबर्स ऑफ पीपल हूज लीव्स आर रिलेटेड टू फिश. ओके वी वुड वंडर नंबर ऑफ पीपल हूज लीव आर रिलेटेड टू फिश. इन ऑल देयर अबाउट 100 लाख फिश वर्कर, फिश वर्कर हु कैच फिश क्लीन एंड सेल देम मेक एंड रिपेयर नेट्स एंड बोट्स एक्सेट्रा. चलो अभी यहाँ पे लिखा है बच्चों, वी मेड वंडर अबाउट नंबर्स ऑफ पीपल हूज लीव आर रिलेटेड टू फिश. ऐसे बहुत से लाखों लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल जो क्या 100 लाख, मतलब 100 लाख, लाख भी नहीं है बच्चों, 100 लाख फिश वर्कर्स हैं. फिश ऐसे लोग हैं जो फिश वर्क में काम करते हैं. ऐसा नहीं कि वो सभी कोई फिश का पकड़ने का काम करता है. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ फिश को कैच करते हैं इन द सेंस पकड़ने का, कुछ फिश क्लीनिंग, कुछ क्लीनिंग का काम वहां होता है. एंड सेल देन, कुछ सेल करने का मतलब कैच करके कोई लाया, कोई सेल करता है, कोई बनाता है, कोई रिपेयर करता है. नेट होता है ना, जो जाल होती है जिसे हम फिश पकड़ते हैं, तो नेट रिपेयर करने का काम करता है. एंड बोट्स का, बोट्स में भी अगर कुछ जैसे होता है ना खराबी आ गई, क्योंकि भाई ये तो बहुत बड़े लेवल तक का काम हो गया, इतने लाखों लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, तो समझ रहे हो. तो इसके पीछे अगर क्यों, ये तो नहीं होता कि आप चले जाओ फिश लेके आओ और हो गया. इसके पीछे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी काम तो केवल एक पर्सन चाहे तो बड़े लेवल पर नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हेल्प होता है. तो वही इसमें समझाया गया है. वी ऑल्सो हैव अ नेम ऑफ दिस बिग नंबर 100 लाख इज कॉल्ड अ करोड़. ओके हम क्या कहते हैं बच्चों, 100 लाख को हम 1 करोड़ भी कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों, 1 करोड़, ठीक. तो 1 करोड़ हम लिखेंगे कैसे, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ. ये आपका है 1 lakh, 10 lakh, 10 lakh करोड़. ओके अब देखो, अब इतना हो गया. तो सबसे पहले हमें मैंने पहले बताया 100 लाख है, तो 100 लाख को हम 1 करोड़ कहते हैं. तो यहाँ देखो, वंस के आगे जीरो, वंस टेंस के आगे जीरो, हंड्रेड के आगे जीरो, थाउजेंड के आगे जीरो, 10,000 के आगे जीरो, लैक्स के आगे जीरो, 10 लाख के आगे जीरो, करोड़ के आगे आप 1, क्योंकि 1 की बात हो रही है. अगर 1 की जगह 2 होता, 3 होता, 5 लाख होता तो आप वो लिख देते, बट अभी 1 की हो रही है तो हम 1 ही लिखेंगे. ओके तो अब आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक. तो 7 जीरोस होते हैं 1 करोड़ में. कितने होते हैं बच्चों, 7 जीरो, जिसको आप एक इस तरीके से लिख लो, जैसे मैं आपको समझाने के लिए इस तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक. आप अपनी रफ कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, 4, 5, 6,
7, हम 1 लाख को 1 करोड़ कहते हैं और इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं. ओके चलिए अब आगे चलते हैं. आगे क्वेश्चंस में है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व करेंगे. वेयर हैव यू हियर्ड ऑफ करोड़, आपने कहां करोड़ सुना है. व्हाट वाज द नंबर यूज फॉर्म. ओके जैसे मैंने पहले बताया वैसे. वेयर हैव यू हियर्ड, हियर मतलब सुनना, आपने कहां ऐसा सुना है करोड़ के बारे में, कहां पे ऐसा मतलब घर पे भी या फैमिली में या कभी न्यूज में सुनते होंगे या स्कूल आप जाते होंगे, कहीं तो जाते होंगे ना जहां पे आपको बोला जाए हाँ करोड़ में है ये चीजें, करोड़ है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सुनते कहां होंगे, पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट प्रेजेंट टाइम में देखें तो 120 करोड़ है, बट इन अगर और इसके बाद अगर काउंटिंग होती तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ होता है कि नहीं बच्चों, करोड़ों में. तो वहां अगर हम होगा तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे चले जाएंगे. अगर वो भी नहीं है तो कहते हैं बिजनेसमैन, जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए, ठीक, धीरू भाई अंबानी हो गए, अंबानी नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्या ये करोड़ों में बिजनेस करते हैं, कितने करते बच्चों करोड़ों में. तो आप जैसे ये गेस कर सकते हो कि हाँ और कहाँ कहाँ ये चीजें, हमारे देश का पॉपुलेशन हो गया करोड़ों में, हमारा हमारा जो बजट, अगर हमारे बजट भी आते हैं, जैसे आप लोग कभी न्यूज में सुनते होंगे हमारे देश का बजट हुआ, तो बजट के लिए गवर्नमेंट जो हमारी होती है करोड़ों का क्या करती है, इन्वेस्ट करती है इंडिया के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर. तो यहाँ क्या, यहाँ पे करोड़ों की बात होती है, क्या होती है बच्चों करोड़ों की, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई वहां भी करोड़ों की बात होती है. आगे क्या है, ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल जीरोस. ओके तो सेम वही है, सबसे पहले आप ऐसे लिख लो 0, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करो. ओके अब लिख लेते हैं यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0. फिश मार्केट. अब हमारा एक नया चैप्टर आया, क्या है बच्चों, द फिश मार्केट. सॉरी बच्चों मैंने ये पढ़ाया आपको, बट हाँ ये वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाना भूल गई, मैं इसके बारे में बता देती हूँ, मैं जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गई. लिखा है यहाँ पे अबाउट हाउ फॉर कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स. ठीक है, क्या लिखा है, अबाउट हाउ फॉर कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स. तो मोटर बोट बच्चों 1 आवर्स में कितने 20 किलोमीटर जाते हैं, तो यहाँ 6 आवर्स के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे. सबसे पहले चीजें बच्चों ये जानो, यहाँ पे क्या आपके बारे में डिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो अगर जब भी बच्चों डिस्टेंस के बारे में पूछे तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम. तो हमारी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम के बारे में पूछा है, पहले तो वन टाइम था, तो वन टाइम का मोटर बोट का कितना था 820 किलोमीटर, ठीक. तो अगर 7 टाइम्स में अगर वही चीज करेंगे तो 120 किलोमीटर पर आवर होगा. ओके स्टार्ट कर दिए. अब आगे थर्ड क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या पूछा है. हाँ एक और चीज, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन बताया वैसे सेकंड वाले में भी है, जब भी आपसे अगर कोई भी चीज जैसे इसमें था, ठीक है, कम दिया है और ज्यादा पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे. जब भी कम दिया हो ज्यादा पूछ रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों उसके बारे में बताऊंगी, उसका भी जस्ट उल्टा होता है. इफ अ लॉन्ग टेल सी वाला, If a long tail boat has traveled 60 kilometer, okay, how long will it take? देखिए अब इसमें आ गया,
इफ अ लॉन्ग टेल बोर्ड, ये लॉन्ग टेल बोर्ड है ठीक है बच्चों, तो ये 1 आवर्स में, ठीक है 1 आवर्स में 12 किलोमीटर पर आवर्स करती है, लेकिन अब हमें 60 किलोमीटर के हिसाब से निकालना है। पर 60 किलोमीटर मतलब इसमें हमने छोटा बताया, अब हमसे बड़े के बारे में पूछा है, तो जब भी बड़े के बारे में पूछे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, सी वाले को बड़े के बारे में मतलब पूछे, तो आप करोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए फिर कैसे करेंगे, एक सेकेंड, ठीक। तो ये कितने में होता है, सिक्स लॉन्ग टेल बोर्ड 12 किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है, अब यहाँ पे हमें 60 किलोमीटर निकालना है, तो डिस्टेंस पहले हमारा दिया 60 अपॉन ये ऐसे एस स्पीड है हमारा, क्या है स्पीड कितने हैं, 1 किलोमीटर में सॉरी 1 आवर में 12 किलोमीटर ये करता है, तो 12 में हम 60 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 5, क्या आएगा 5 आवर। अंडरस्टैंड, ये हो गया, अभी मैंने नीचे का भी कुछ बता दिया है, ये भी सारे कंप्लीट हो गए आपके, अब आगे चलते हैं। द फिश मार्केट, अब कहाँ आएंगे बच्चों, द फिश मार्केट, हैव यू बीन अ फिश मार्केट, क्या तुमने कभी फिश मार्केट देखा है बच्चों, किसी ने देखा है, हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट, If you have, then you may, you might know why a very noisy place in sometimes called a fish market. अगर आपने देखा है तो you have, then you think, मतलब कभी आप जब आप देखे होंगे या नहीं देखोगे तो ये बता दूं मैं बच्चों, ये बहुत ही noisy मतलब बहुत शोरगुल वाला place है, sometimes called a fish market. क्या कहते हैं बच्चों इसे, हम fish market कहते हैं, this fish market is busy today. Okay. This fish market is busy today. तो यहाँ बोला है ये मार्केट आज बिजी है, क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। Many boats have bought a good catch. Okay. ठीक है, बहुत सारे बोट्स हैं, उन्होंने बहुत गुड मतलब बहुत गुड कैच किया, बहुत सारी मछलियां कर दी। द फिशर वुमेन, जो फिशर जो वुमेन्स होती है बच्चों, जो फिश बेचती है उन्हें हम फिशर वुमेन कहते हैं, आर शाउटिंग, ओहो अब क्या कर रही है वो, चिल्ला रही है, आउट देयर प्राइजेस टू द बायर, जो बायर जो खरीदते हैं ना उनके लिए, उनको चिल्ला रही है मतलब बुला रही है अपने लिए सेल करने के लिए। ओके, मिनी, उनमें से एक जो फिशर वुमेन है उसने, एक का नाम क्या है बच्चों यहाँ पे, मिनी, ठीक है, कम हियर यहाँ आओ, यहाँ आओ, टेक अ सार्डिनेस, ओके सार्डिनेस एट 40 रुपीज अ केजी, मतलब पर केजी 40 रुपीज है ये जो सार्डिनेस मछली है। ओके, ग्रेसी Never show cheap, okay, बहुत cheap, मतलब cheap मतलब जो भी होता है ना, कोई भी rate की price काफी कम हो, उसे cheap कहते हैं। Get swordfish rupees, get swordfish होता है 60 रुपी केजी है, okay। Florma sells prawns rupees 150 केजी, Florma है जो prawns जो पहले starting में आप लोग देखोगे ना, बहुत सारे fish थे, prawns था, crab था और dolphin थी, बहुत सारी fish थी ना हमने देखा था, तो उसमें एक प्रॉन्स का भी नाम आया बच्चों, ये झींगा मछली भी इसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, झींगा मछली, इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ, तो इसे हम क्या कहेंगे, झींगा मछली। ओके, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है योर हेल्थ के लिए, आपके लिए हेल्थ के लिए, तो 150 रुपी केजी है, मतलब 150 रुपी केजी मिलता है। करुथम्मा, यहाँ पे एक और आ गई फ्लोरमा के बाद, करुथम्मा सेल्स स्क्विड, स्क्विड नाम की एक फिश होती है बच्चों, 50 रुपीज केजी, जो 50 रुपीज केजी मिलती है। लुक, फैजला कैन हार्डली क्राई दिस बिग किंग फिश, सी सेज दिस फिश वेट 8 केजी, आई विल सेल द होल रुपीज 1200। ओके, अभी तो इन्होंने सबका अपना बता दिया, तो उसमें से आप देखो कि फैजला, देखिए ये आपके पिक्चर में बनी, इनका नाम क्या है, फैजला, क्या है फैजला, ये फैजला क्या कह रही है, हाँ बहुत तेजी से चिल्लाते हुए कह रही है कि ये जो फिश है इसका वेट जो है, ये जो बड़ी वाली फिश है ना बच्चों यहाँ पे जो बनी हुई है, इसका वेट है 8 केजी, कितना है बच्चों 8 केजी। अब आगे देखिए क्या बोलती है, और 8 केजी है, आई विल सेल द होल फॉर 1200, मतलब ये पूरा जो बेचेंगी 8 केजी का फिश
1200 में बेचेंगी। कितने में बेचेंगी बच्चों? 1200, 1200 में बेचेंगी। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रैक्टिस टाइम जो दिया है, लिखा है एट दैट प्राइस पर केजी मतलब पर केजी डिड फैजला सेल द किंग फिश। पर केजी कितना होगा बच्चों? अभी दिया है 8 केजी, ये जो फिश है 8 केजी है, तो पर केजी कैसे निकलेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ज्यादा दिया, जबकि मैंने स्टार्टिंग में बताया जब भी ज्यादा दिया हो और हमें कम के बारे में पूछे, अभी 8 केजी के है तो यहाँ पर केजी मतलब हमें 1 केजी के बारे में बताना है कि अगर वो 1 केजी बेचेगी उसी फिश को तो कितने में मिले बेचेगी। तो जब भी ज्यादा दो तो हमें क्या करेंगे, हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1200/8, तो अगर हम 1200 को 8 से डिवाइड करते हैं, ओके कैसा हुआ 150। तो ये 1 पर केजी, यहां आप लिख दोगे पर केजी, हमारा आंसर आया बच्चों। यहां 150 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नीचे में करके आप लिखिएगा, मैं यहाँ पे बस एडजस्ट कर रही हूँ। पर केजी फिश इज इक्वल टू 150 रुपीज। ओके, समझ में आया। अभी हमारा 8 केजी का ये पूरा बताया था, लेकिन अब हमें 1 केजी के बारे में पूछना है। तो 1 केजी कितने का मिलेगा, तो जो हमने लिख के बता दिया, और ये भी बताया साथ में बच्चों की जब भी ज्यादा दिया हो और कम के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब भी कम दिया हो और हमसे ज्यादा के बारे में पूछे, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई समय हो, या दिन हो, या डिस्टेंस हो, जो भी हो, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया, फ्लोरम्मा हैज सोल्ड 10 केजी प्रॉन। फ्लोरम्मा जो है उन्होंने क्या किया, 10 केजी प्रॉन सोल्ड किया, बेचा टुडे। हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट? ओके, अब हाउ मच मतलब अब तो ज्यादा वाली बात होगी, क्योंकि फ्लोरम्मा कितने में बेच रही थी, 1 केजी प्रॉन। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लोरम्मा ये 1 केजी प्रॉन 150 रुपीज में बेच रही थी, 150 में बेच रही थी बच्चों, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फ्लोरम्मा है शोल्ड 10 केजी, 1 केजी अगर 150 का है तो 10 केजी कितने में गया होगा। तो 150 ज्यादा के बारे में पूछा है, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले से पहले बताया था, वैसे यहाँ पे करेंगे 150 × 10 इज इक्वल टू 1500 केजी रुपीस। कितना उन्होंने कमाया, 1500 रुपीस 10 केजी सेल करके। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ग्रेशी सोल्ड 6 केजी सॉल्ट फिश, मिनी हैज अर्न एज मच मनी। ग्रेसी हाउ मनी केजी आर सर्निज एंड डिड एंड मिनी सेल। ओके, तो अब दिया है ग्रेसी सोल्ड 6 केजी सॉल्ट फिश। ग्रेसी जो थी यहाँ पे देखो कितनी थी उसके फिश का, 60 रुपए केजी था, ठीक है। ग्रेसी ने 60 रुपए केजी का बेचा। अब यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा है बच्चों, 6 केजी सॉल्ट फिश, पर केजी तो 60 है, मतलब पर केजी के हिसाब से अगर 6 केजी बेच रही है और 1 केजी 60 रुपीज का है, सॉरी यहाँ पे करते 60 रुपीज का है, तो 6 केजी 120 रुपीज। ओके, तो लिखा है यहाँ पे मिनी हैज अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी, हाउ मेनी केजी सी सर्डिन डिड मिनी सेल। ओके, अब मिनी के इसने तो 6 केजी 120 रुपीज अर्न किया, लेकिन जो मिनी थी वो 40 रुपीज के, तो वो कितना है और भी बेची कि ग्रेसी की इक्वल मतलब बराबर आएगी, ठीक है। तो मिनी का 40 केजी था, कितना था बच्चों, 40 रुपीज पर केजी था। तो अब मिनी का 40 है, सॉरी यहाँ 120 नहीं होगा बच्चों, सॉरी सॉरी 360। अब मोनी का 40 है,
मोनी को बेचना होगा 9 kg, कितना बच्चों 9 kg, ये बेचेंगी 6 kg, तो मिनी बेचेगी, मिनी सेल ठीक है, ये 6 बेचेंगी और ये 9 kg बेचेंगी, तो दोनों इक्वल आएंगी। ओके बच्चों, अभी तो हमने यहां तक आपको पढ़ा दिया है, अब नेक्स्ट पार्ट इसकी थर्ड पार्ट डी में मैं डालूंगी, जिसके बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी, तो आप अगली वीडियो को देखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।